चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री है क्या? देन इट इज वर्ड ट्रिगोन एंड मेट्रॉन गिवन बाय ग्रीक वर्ड एंड इट इज रिलेटेड टू साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो ट्रिगोन और मेट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्राइंगल है उसकी साइड और एंगल उसकी स्टडी करते हैं अपन इसमें। तो वैसे तो 9th और 10th में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, ये अब उसके नेक्स्ट में है, लेकिन हम उसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। देन नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फर्स्ट साइन ए। व्हाट इज मीन साइन ए? इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वैल्यू ऑफ साइन ए इट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। बी सी इज परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्राइंगल एंड ए सी इज हाइपोटेन्यूस एंड ए बी इज बेस बिकॉज एंगल इट इज रिलेटेड टू एंगल ए। सो बी सी इज परपेंडिकुलर साइड टू ए, सो बी सी इज परपेंडिकुलर एंड अपोजिट टू राइट एंगल और 90 डिग्री ए सी इज हाइपोटेन्यूस एंड थर्ड साइड ए बी इज बेस। सो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए इट इज रिप्रेजेंट बाई बी सी अपॉन ए सी और वी कैन राइट पी अपॉन एच। सेकेंड कॉस ए इट इज रिप्रेजेंट बाई ए बी अपॉन ए सी और बी अपॉन एच। थर्ड टेन ए इट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी और पी अपॉन बी। अब नेक्स्ट में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉट ए इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए, देन वी कैन राइट ए बी अपॉन बी सी। ये इसका रेसिप्रोकल बन गया, इसका जो रेशियो है बी सी अपॉन ए बी, देन कॉट ए बी अपॉन बी सी और बी अपॉन पी। कॉसेक ए इट इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए और वी कैन से साइन ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक ए, देन इट इज रिप्रेजेंट बाई ए सी अपॉन बी सी और एच अपॉन पी। सेक ए ए सी अपॉन ए बी एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू वन अपॉन सेक ए, साइन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक ए एंड टेन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट ए। अगेन टेन ए इट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, यहाँ से बी सी अपॉन ए बी। इफ वी डिवाइड बी सी एंड ए बी बाई द ए सी, बी सी अपॉन ए सी होल ए बी अपॉन ए सी, देन बी सी अपॉन ए सी इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ए एंड ए बी अपॉन ए सी इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉस ए। सो टेन ए वी कैन राइट साइन ए अपॉन कॉस ए एंड रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए इट इज कॉट ए, सो वी कैन राइट कॉस ए अपॉन साइन ए। सो इन सिंपल वे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वास्तव में वो क्या है कि ये जो ट्राइंगल की साइड्स हैं इनका रेशियो है। जैसे साइन ए है तो ये बी सी अपॉन ए सी, तो ये इसका क्या हो गया परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस, तो इसका ये क्या बन गया रेशियो। जो भी क्वेश्चन में अपने को वैल्यूज़ गिवन होगी, जब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमको इसके साइन ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा। वैसे ही कॉस ए है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा एंड अदर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन है उनके रेशियो मिल जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये साइन ए कॉस ए टेन ए क्या है, ये सिंपली क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपसे कोई भी पूछे कि साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए कॉस ए के एंड सेक ए ये क्या है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अगर हम इसमें एंगल सी यूज़ करेंगे तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कंडीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए परपेंडिकुलर
बी सी है और विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी परपेंडिकुलर ए बी बन जाएगा एंड फिर इसमें जो बेस है वो बी सी बन जाएगा। तो अगर हम इसमें एंगल चेंज करेंगे, अगर हम इसमें साइन सी फाइंड करेंगे, इफ़ वी कैन फाइंड साइन सी, देन अब इसमें सी के परपेंडिकुलर जो साइड है वो बन गई ए बी, 90 एज इट इज रहेगा, ये बेस बन जाएगा। देन साइन सी इट इज रिप्रेजेंट बाय ए बी अपॉन ए सी। अब इसमें ए बी जो है ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस बन गया और ये हाइपोटेन्यूस है। तो इसमें ये डिफरेंस आ गया, साइन ए रिप्रेजेंट बाय बी सी अपॉन ए सी, बट साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये चेंज कर सकते हैं।